नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। 6 महीने की मासूम बच्ची के साथ किसी की क्या रंजिश हो सकती है। 6 महीने की इस बच्ची के साथ परिवार के कुल 4 लोगों का पहले गला काटा गया और उसके बाद घर के आंगन में जला दिया गया। बुधवार तड़के दिल दहला देने वाला ये सामूहिक हत्याकांड राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले के ओसियां तहसील के चौराई गांव का है। मुख्यमंत्री के इलाके में हुई इस घटना ने राजस्थान सरकार के माथे पर बल ला दिया है। रोंगटे खड़े करने वाली घटना की खबर चौराई गांव के लोगों को बुधवार को तड़के लगी। गांव की एक झोपड़ी से आग और धुआं निकलता देख जब लोग वहां पहुंचे तो घर में 2 खाट पर 4 जले हुए शव मिले। माना जा रहा है कि पहले परिवार के लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा गया और उसके बाद गला काटकर उनकी हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि घर के बुजुर्ग पूना राम और उनकी पत्नी घर के बाहर सो रहे थे, जबकि उनकी 6 महीने की पोती और बहू घर के अंदर सो रहे थे। मौके पर पहुंचे लोगों के मुताबिक बुजुर्ग दंपत्ति और उसकी बहू और 6 महीने की बेटी जिस खटिए पर सो रहे थे वो खून से सना हुआ था। मरने वालों की पहचान 60 साल के पूना राम जाट, पूना राम की 55 साल की पत्नी भवरी देवी, 25 साल की बहू थापू देवी और 6 महीने की पोती मनीषा के रूप में हुई है। घटना को लेकर गांव वालों में भारी दहशत है। मौके पर पहुंची पुलिस की फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस इसे रंजिश में हुई सामूहिक हत्या मान रही है। हालांकि अभी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस के मुताबिक मासूम बच्ची से भी किसी ने रंजिश निकाली है। बच्ची अपनी मां के नजदीक ही जली हुई हालत में मिली है। माना जा रहा है कि सभी को पहले या तो जान से ही मार दिया गया या फिर इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो गए, उसके बाद झोपड़ी में ले जाकर सभी को जला दिया गया। फिलहाल अजले शवों को मुर्दा घर में रखवाया गया है। झोपड़ी का बाकी सामान भी जलकर खाक हो चुका है। पुलिस को अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि सामूहिक हत्याकांड में कितने लोग शामिल थे और उन्होंने किन हथियारों का इस्तेमाल किया है। अभी तो प्रथम दृष्टया जो मौके को देखकर लग रहा है हत्या हुआ है और उसके बाद फिर जलाने का प्रयास हुआ है। बाकी FSL की टीम जो रिपोर्ट देगी और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर हम लोग पूरी स्टोरी बता पाएंगे। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि मारे गए पूना राम का परिवार खेती का काम करता है। पूना राम के 2 बेटे हैं। हत्याकांड के समय एक बेटा खेत पर काम कर रहा था जबकि दूसरा बेटा किसी दूसरे गांव में था। फिलहाल पुलिस संदेह के आधार पर करीबियों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला होने के बाद भी जोधपुर में अपराध का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में आए दिन हो रही ये घटनाएं वाकई चौंकाने वाली है। 19 जुलाई को 6 महीने की बच्ची समेत परिवार के 4 लोगों की सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 16 जुलाई को जोधपुर में एक नाबालिग दलित लड़की का उसके प्रेमी के सामने सामूहिक बलात्कार हुआ। स्कूल में ही बच्ची से 7 महीनों तक बलात्कार हुआ। 15 जुलाई को पुलिस ने स्कूल के चपरासी को गिरफ्तार किया। 22 मई को बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई। करौली में 19 साल की लड़की से बलात्कार हुआ। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में हो रहे ये वारदात राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में विपक्ष के लिए राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था एक बड़ा हथियार हो सकता है। इसके पहले भी हाल के कुछ दिनों में राजस्थान में कई ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर देश भर में गर्माहट दिखी। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।